नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया के खास बुलेटिन की। हैती के राष्ट्रपति जुवेनल मोइसे के निजी निवास में लोगों की भीड़ ने हमला कर उनकी हत्या कर दी। देश के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लार्क जोसेफ ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रथम महिला मार्टनी मोइसे भी इस हमले में घायल हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरे मामले में देश में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीएम जोसेफ ने इस घृणित अमानवीय और निशंस हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि हैती की नेशनल पुलिस और अन्य अधिकारियों से कैरिबियाई देश में स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुआ है। मंगलवार देर रात तक यह हत्या देश में गहराते राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के संकट तथा गिरोह हिंसा बढ़ जाने के बीच हुई। इसके बाद से ही 1.1 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में मोइस के शासन में निरंतर अस्थिरता और गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की साल 2021 की रैंकिंग आ गई है। इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है। इसके बाद सिंगापुर को दूसरा, जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी जोरदार छलांग लगाई है। वहीं सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान, जिनका 116वां स्थान है, और आखिरी स्थान है सीरिया, इराक और पाकिस्तान। वहीं भारत को इस ताजा लिस्ट में करारा झटका लगा। इस लिस्ट में भारत का स्थान 19th नंबर पर है। अफगानिस्तान की वायुसेना ने दुश्मन के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं और कई विरोधी ठिकानों पर छापेमारी भी की है, जिसमें करीब 77 तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पहले दिन में लगमन प्रांत के अलीशिंग जिले के आसपास के इलाकों में सुबह किए गए हवाई हमले में 35 आतंकवादी मारे गए। वहीं एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय द्वारा जारी एक फुटेज में भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों को इलाके में सुरक्षा चौकियों पर हमले करने से पहले एक टूटे हुए घर में इकट्ठा होते देखा गया। बयान में कहा गया है कि लोगर प्रांत में सोमवार रात प्रांतीय राजधानी पुले आलम और खोशी जिले के बाहरी इलाकों में 2 अलग-अलग छापों में 26 आतंकवादी मारे गए। वहीं उत्तरी समागन प्रांत के हरजते सुल्तान जिले में सोमवार रात हुई हवाई हमले में 16 आतंकी मारे गए हैं। बयान में कहा गया कि छापेमारी में आतंकवादियों का एक वाहन और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी नष्ट हुए हैं। ये हवाई हमले तब हुए जब तालिबानी आतंकवादी लगातार सरकारी सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे थे और बीते कुछ हफ्तों में 100 से ज्यादा उपनगरीय जिलों में कब्जा कर चुके हैं। दशकों से जंग का सामना कर रही अफगान जनता ने खुद को गृहयुद्ध की वापसी के लिए तैयार कर लिया है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइकल मैककॉल ने खुलासा किया है कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ घनी की टीम ने उन्हें चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को जिहाद के साल के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन को अफगानिस्तान में लोगों की हत्या, महिलाओं के दमन और मानवीय संकट की जिम्मेदारी लेनी होगी। इंडोनेशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह यहां अचानक मरीज बढ़ने से ऑक्सीजन खत्म हो गई और करीब 60 मरीजों की मौत हो गई। इंडोनेशिया की सरकार ने बताया कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। महामारी के भयावह रूप को देख बाली जावा और राजधानी जकार्ता में शनिवार को इमरजेंसी लॉकडाउन लगाया गया, जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सके। जावा के साजिद जीतो अस्पताल में शनिवार और रविवार के बीच 63 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ऑक्सीजन की मंगलवार रात मांग लगातार बढ़ रही थी। अस्पताल ने अतिरिक्त ऑक्सीजन की मांग की थी, लेकिन आपूर्ति नहीं की जा सकी। कोरोना महामारी पर निगरानी करने वाले मंत्रालय ने औद्योगिक इकाइयों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कहा है, जिससे रोजाना 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। वहीं इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बुदि गुनादी सदिकिन ने कहा है कि छुट्टियों और त्योहारों के बाद संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सिर्फ बच्चों ही नहीं, हर उम्र के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। पिछली लहर की तुलना में इस बार संक्रमण की रफ्तार तेज है। दुनिया में मीडिया की आजादी को कम करने वालों की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल हो गया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, किम जोंग, शी जिनपिंग सहित 37 नाम शामिल हैं। ये लिस्ट रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स RSF की तरफ से बनाई गई है। सोमवार को जारी की गई ये लिस्ट 5 साल बाद आई है। इससे पहले ये लिस्ट 2016 में जारी की गई थी। ग्लोबल प्रेस संस्था ने कहा है कि इस लिस्ट में शामिल 37 नेताओं में से 17 नाम पहली बार जोड़े गए हैं, जबकि 20 नाम पहले भी इस लिस्ट का हिस्सा रह चुके हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन नेताओं ने न सिर्फ अभिव्यक्ति पर रोक की कोशिश की, बल्कि पत्रकारों को मनमाने ढंग से जेल भी भेजा है। इस लिस्ट में 19 देशों को रेड कलर से दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि इन देशों को पत्रकारिता के लिहाज से खराब हालत वाला देश बताया गया।
जबकि 16 देशों को ब्लैक कोडिंग दी गई है, जिसका मतलब है कि यहाँ स्थिति बेहद खराब है। गौरतलब है कि रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स को RSF के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी में इसका नाम रिपोर्टर्स सा फ्रांतीय है। संस्था की तरफ से जारी लिस्ट में कहा गया है कि नाम प्रेस की आजादी पर लगातार हमले कर चुका है। इसे संस्था में गैलरी ऑफ क्रीम पोर्ट्रेट कहा गया है, यानी निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की गैलरी। इस सूची में शामिल अन्य नामों की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, हंगरी के विक्टर ऑर्बन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सीरिया के बशर अल असद, ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के लुकाशेंको शामिल है। चीन ने जापान के उप प्रधानमंत्री तारो असो के हांगकांग पर दिए बयान को खतरनाक बताते हुए सख्त एतराज जताया है। तारो असो ने कहा है कि अगर चीनी सेना ने हमला किया तो जापान और अमेरिका मिलकर ताइवान की रक्षा करेंगे। जापान के एक अखबार ने मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा है कि असो ने ऐसा कहकर संकेत दिया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो जापान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए कार्रवाई करेगा ही। साथ ही जापान अमेरिका के साथ मिलकर स्वशासित हांगकांग की रक्षा करने में अपना पूरा सहयोग देगा। अखबार ने जापान के उप प्रधानमंत्री असो के हवाले से कहा, अगर ताइवान के साथ कोई बड़ी घटना हुई तो ये कहना सही होगा कि वो स्थिति जापान की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगी। जापान के रक्षा मंत्री नोबिया किशी ने मंगलवार को कहा कि जापान एक समग्र फैसला लेगा, फिर चाहे सवाल जापान के अस्तित्व का हो या फिर विशिष्ट हालात या सूचना पर आधारित हो। Amazon की फेमस वर्चुअल असिस्टेंट एलेक्सा के नाम पर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल एलेक्सा नाम वाले बच्चों के माँ बाप का कहना है कि उनकी बेटियों को लोग परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटियों का नाम वही है जो Amazon के वर्चुअल असिस्टेंट का है। कई लोगों ने तो अपने बच्चों के नाम भी बदल दिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके बच्चों का नाम एलेक्सा होने पर उनका मजाक बनाया जाता है। वहीं एलेक्सा नाम वाले बच्चों के माँ बाप अब Amazon से मांग कर रहे हैं कि वो अपनी डिवाइस वाले वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बदलें और ऐसा नाम रखें जो इंसानों का ना होता हो। इस पूरे मामले में Amazon ने कहा है कि वो इन शिकायतों से खुद परेशान है और उससे उनके वर्चुअल असिस्टेंट यानी एलेक्सा के लिए अल्टरनेटिव नाम भी सोच लिया है। पाकिस्तान में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस वजह से सिंध प्रांत तेजी से अकाल की तरफ बढ़ रहा है। इसको देखते हुए प्रांतीय मंत्री सोहेल अनवर खान सियाल ने आग्रह किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सिंध के पास केवल 10 दिनों का ही पानी बचा है। पाकिस्तान का मौसम विभाग पहले ही सिंध के 10 जिलों में सूखे पड़ने की आशंका जता चुका है। सिंचाई मंत्री का कहना है कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, खेती के लिए पानी नहीं है और इंसानी जरूरत को पूरा करने लायक भी पानी सिंध में नहीं बचा। इसकी वजह से सिंध के हाल बेहाल हो सकते हैं और उसके कई जिले सूखे की चपेट में आ सकते हैं। इसमें कराची भी शामिल है। सियाल ने इन खराब हालातों के लिए सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण को दोषी ठहराया। इतना ही नहीं, उन्होंने सिंध में हो रही पानी की कमी के लिए केंद्र की इमरान सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही बल्कि केवल नफरत फैलाने का काम तेजी के साथ कर रही है। रूस में मंगलवार को एक जहाज पहाड़ी की चोटियों से टकराकर समंदर में समा गया। हादसे में 28 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक मरने वालों में 22 यात्री और 6 क्रू मेंबर शामिल हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि यह छोटा विमान रूस के कामचटका प्रायद्वीप के एक छोटे से गांव पालना में उतरने की तैयारी कर रहा था। लैंड करने से करीब 10 किलोमीटर पहले विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि जिसे हम ATC कहते हैं उसे संपर्क टूट गया। बाद में पालना एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर पहले समंदर विमान का मलबा गिरा। दुर्घटना स्थल पर एक MiG-8 हेलीकॉप्टर के साथ रेस्क्यू टीम को भेजा गया। वहीं N-26 नाम का ये विमान कामचटका एविएशन एंटरप्राइज कंपनी का था। इसने पेट्रो पावलोस्क कामचाटकीसी शहर से उड़ान भरी थी। अधिकारियों ने बताया कि ओखोत्सक के समंदर विमान के क्रैश होने की जानकारी मिली। यहां से लैंडिंग वाली जगह करीब 10 किलोमीटर दूर थी। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तनी ने हादसे की जांच के लिए कमीशन गठित करते हुए आदेश जारी किया है। ईरान में भीषण गर्मी के बीच राजधानी तेहरान समेत अन्य शहरों में कई घंटे तक बिजली गुल रही। इस पर अब राष्ट्रपति हसन रूहानी ने माफी मांगी है। इस सरकारी बैठक के टीवी पर लाइव प्रसारण के दौरान उन्होंने स्वीकारा है कि पिछले हफ्ते बिजली गुल होने से ईरानियों को काफी परेशानी हुई थी और अपने असामान्य व्यक्तिगत संबोधन में इसे लेकर उन्होंने अफसोस भी जताया।
राष्ट्रपति ने कहा कि इन समस्याओं और कष्ट का सामना करने वाले प्रिय लोगों से मैं माफी मांगता हूं। बता दें, हाल के दिनों में निरंतर बिजली गुल होने से तेहरान और अन्य शहरों की सड़कों पर अफरा तफरी और भ्रमक की स्थिति लगातार देखने को मिल रही थी। ट्रैफिक लाइट बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दूर संचार ठप पड़ गए और मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हो गई। ईरान के उत्तरी हिस्से से कुछ शहरों में जलापूर्ति भी प्रभावित हुई। वहीं अधिकारियों का कहना है, कई सालों बाद ईरान में लोगों को इस तरह से बिजली गुल होने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के लिए देश में तापमान में वृद्धि, बिजली की मांग बढ़ने और जल विद्युत उत्पादन प्रभावित होने को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट्स देखें तो तेहरान और अन्य बड़े शहरों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण पिछले हफ्ते ईरान के एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्वाइंट में भी बिजली उत्पादन आपात स्थिति में ठप हो गया था। देश दुनिया की बड़ी खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।